फिलहाल की बात करूं भाई आदमपुर पहुंच चुकी हूं मैं। आदमपुर जो है चुनाव का माहौल है वो गर्मा गर्मी में छा चुका है। अभी एक तरफ भव्य बिश्नोई और दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश जी है। वही कह रही हूं मैं कि आसमानी गर्मी की बात को छोड़ के राजनीतिक गर्मी पे आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा छा चुकी है। मेरे पीछे यहाँ पे किसान लोग आप देख सकते हो। मैं अनाज मंडी के अंदर हूँ फिलहाल जो आदमपुर की, और वही बात करेंगे कि इस बार कौन किसको मात देगा, भव्य किसको चंद्र प्रकाश को मात दे पाएगा या फिर चंद्र प्रकाश भव्य को मात देगा, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। जी कैसे हो? बढ़िया। अच्छा के काम करना है? जरगा काम करा। जरगा काम करे। अच्छा वोट वाट किसने के लगा देंगे? वो तो देखा जी कहने दे कहने ना दे। अच्छा मैंने एक बात बताओ, एक तो चंद्र प्रकाश जी है यहाँ से और एक भव्य विष्णु, ये कौन सा बढ़िया नेता है आपने? सारे बढ़िया लगे मन तो। अच्छा कुलदीप ने काम करवाया है कि यो नया नेता होगा यो काम करवा होगा के पता मन तो इतना को लगता है। घर के किसने कहा वो के नहीं कौन के या? नहीं कौन का भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इधर ये खड़े अंकल जी उनसे बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। जी राम, सरकार तो भाजपा की नहीं बढ़ती जी, अब कांग्रेस की ही बढ़ेगी, हवा उसकी ज्यादा है। अच्छा लेकिन आदमपुर में भव्य ही जीतेगा। हाँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट ही है। बाहर से आ गया ना उम्मीदवार जी, यहाँ से प्रदीप बैणीवाल खड़ा होता टक्कर देता इसको। अच्छे एक बात और कहना चाहूंगी कि 56 सालों में यूं कहूं कि एक ही बंदे को जो एमएलए बनाया गया, एक ही परिवार के बंदे को एमएलए बनाया, लेकिन अभी की फिलहाल की बात कर रही हूं मैं। लोग ये सोचते हैं कि ये लोकल बैठा है, इसके साथ जाके मिल सकते हैं हम। बाहर का आदमी जैसे जेपी आया तो हमारे को मिला था नहीं 5 साल के लिए, वो इसको मिल लेते हैं, काम हो या ना हो बाद की बातें। ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर का बंदा आके मिलेगा नहीं? स्पेशल का बंदा 10 साल सरकार रही है हुड्डा की, फिर मिला तो नहीं कुछ। तो भावे कितना करते हैं? भावे रहते हैं जी, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में आता है, राम राम हो जाती है, काम ना हो जाए। चलो राम राम हो मतलब आपको काम से मतलब है? राम राम से भी मतलब है, लेकिन काम बाहर वाले कहाँ कर रहे हैं फिर? यहाँ भी अब लोग कहते हैं सड़कें बना दो, अच्छा नाले टूटे भीगे पाइपें भी डलेंगी, टाइम तो लगेगा, 2 साल लगे 5 साल लगे, अब 1 मिनट में काम कैसे हो जाएगा? मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि 8 करोड़ की बात की गई है कि 8 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट, 800 करोड़ की बात की गई थी कि 800 करोड़ इन्वेस्टमेंट, क्या 800 करोड़ में यहाँ का विकास नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है जी, लेकिन 2 साल लगेंगे जी उसमें 2 साल टाइम लगता है जी। ये लोग कहते हैं 6 महीने में 4 महीने में कैसे हो जाएगी सरकार? एंड मौके पे 800 करोड़ कैसे? मौके पे पाइप पे दब रही है, लेबर लगी हुई है, 2 पुल बन गए और कितने लोग दस साल में 800 डोल नहीं था, ये फाटक गई, 2 फ्लाईओवर बन गए यहाँ, 10 साल में 800 करोड़ लग गए। 10 साल में लगेंगे जी, बाकी और लग जाएंगे, सड़कें बनेंगी, लगेंगे पैसे तो जी, पैसे लगेंगे जी। तो फाइनली आप ये फायदा ही है देश के लिए, भाजपा बढ़िया। हाँ बिल्कुल, या मुसलमानों का राज हो जाएगा देख लेना आप कांग्रेस में क्या बटेगा। तो ऐसे कह रहे हैं लोग हिंदू के लिए नुकसान है कांग्रेस, हिंदू के लिए भाजपा ही बढ़िया है, काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं देश के लिए अच्छा है। ऐसा क्यों मतलब आपको किस हिसाब से लगा कि सबसे बेस्ट रहनी चाहिए? मोदी ने चलाई अच्छा ही चल रहा है, देश का नाम है और देशों में हमारा। राम मंदिर पे भी तो राजनीति कर गए? कर गए तो ये तो राजनीति है जी, अब अलग अलग एक ही घर के 5 सदस्य अलग अलग पार्टी में है, उसका क्या कहोगे आप? एक कांग्रेस में एक भाजपा में। जी जी, और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी कैसे हो? बढ़िया। किसान हो? हाँ जी किसान। तो कहते बीजेपी में किसान परेशान हो? वैसे कोई परेशानी नहीं है, बाकी परेशान होते वो संघ सभी पार्टी में होते हैं। तो कांग्रेस में भी परेशान थे किसान, अब बीजेपी में परेशान है, कांग्रेस आ जाएगी तो फिर किसान परेशान हो जाएंगे। कांग्रेस में भी ला गया आपने कि कांग्रेस आ जाएगी तब भी परेशान ही? हाँ हम पीछे परेशान थे, बीजेपी में भी परेशान है, सलूशन किसी में भी नहीं। किसान को परेशान ही रहना है, कौन सी पार्टी आ जाए ना किसान परेशान ही रहेगा, कोई उठान नहीं कर सकता किसान का। यहाँ की बात करें एक तरफ भव्य बिश्नोई है दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश जी, तो कौन जीत सकता है, कौन काट सीट निकाल? फिलहाल तो बीजेपी की उम्मीद है, चंद्र प्रकाश को भारी उम्मीदवार मान के रुझान नहीं है जनता का, मतलब मौका तो सबको देना चाहिए। हाँ मौका सबको मिलेगा 8 तारीख तक। हाँ क्यों लग रहा है 8 तारीख तक मौका मिलना चाहिए? मतलब ये है कि जनता को एक बार, जैसे एक बात और मैं जानना चाहूंगी, प्लस पॉइंट ये है कि इस बार अगर बात करें तो एक परिवार से ही बनते आ रहे थे एमएलए हैं विधायक है, लेकिन इस बार जो है एक प्लस पॉइंट ये है कि अदर कास्ट का बनने के लिए जा रहा है। अदर कास्ट हर बार आता है, अदर कास्ट का हर बार दुनिया क्यों नहीं आता? हर बार टक्कर में पीछे भी आया था, कह रहा है
हार गया ना इस बार, तो जीतना चाहिए। अभी तक नहीं जीता तो अब क्या जीतेगा? अच्छा नहीं मतलब साल में नहीं जीता अब क्या जीतेगा? तो अभी फाइनल बना लिया है लोगों ने, मन बना लिया भाई बीजेपी को एक बार और लेंगे। तो बीजेपी सरकार से तो कहते राम मंदिर बना तो बोला चोड़ लग रहा है, सड़कें बनाई टूट के सारी बह गई, और एयरपोर्ट बनाए छत गिर गई। ये तो सभी होता है, हमारा सपर्च होता है, ये अनाज मंडी का सपर्च हो रहा है, सोएगा कि क्या इसका सोल्यूशन है? क्यों नहीं है मतलब मिस्त्री लगाओ सोल्यूशन हो जाता है। नहीं नहीं मिस्त्री नहीं लगे थे ऐसे और भी लोग से। जी राम राम, कैसे हो? ठीक है। तो जी क्या लगता है यहाँ पे चंद्र प्रकाश जी यहाँ से सीट निकालेंगे या फिर भव्य विष्णु? भव्य निकालेगा जी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि विकास है तो लाल के टाइम में बहुत हो रहा है, और अभी ये जो लाइन बिच रही है और वाटर सप्लाई है, गाँव के नाला खड़ा है रजवाया है, और बगैर खर्ची पर्ची युवा लग रही है। कांग्रेस ने तीन काम अच्छे किए, नंबर एक कांग्रेस ये घास ले जिससे खेत में जो हो जाए तो फसल को नहीं होगा, और दूसरा पहाड़ उसको खाद खुद लिए हुए, नंबर दो पहाड़ी की कर, ये कांग्रेस की देन है, न लकड़ी न भट्टा, और एक नंबर की अमेरिकन खाकड़ जो न बेल के काम न बड़द के काम, विकास कराया खूब कराया यहाँ। तो किसान तो वैसे भी परेशान है, बीजेपी सरकार से कह रहे कि भाई कितने टाइम तक, डेढ़ दो साल तक धरना दे बट। किसानों को 15,000-12,000 रुपये मुआवजा मिले, कांग्रेस की टाइम में 60-70 रुपये मुआवजा दिए। उस टाइम सैलरी भी कहते कम होया करती, तो चीज़ें महंगाई भी कम थी, ये महंगाई भी ज़्यादा है। कौन क्या महंगाई कम है, जात की लुवाई ना 15,000 रुपये वाला मोबाइल लेके थोड़ी भी चलती है, पहले चलती थी, अब 800 रुपये दाढ़ी कमा वो ही घर नहीं ले जाता पैसा, कि 200 कमा वही घर नहीं, यहाँ खर्चा कर देते हैं, लोकल खर्चा कर देते हैं, कोई कोई किसी में खर्चा कोई किसी में, कहाँ है महंगाई, कहाँ है? काम करने वाले की तो महंगाई नहीं है, और वैसे कहो तो कहो महंगाई है, काम करने वाले को महंगाई नहीं है। अरे राम मंदिर पर भी राजनीति करके भाई, राम मंदिर मोदी अपने लिए बनाया था क्या? अपने लिए खुद के लिए नहीं, बैठने के लिए नहीं बनाया, आम जनता के लिए बनाया। जिस आदमी ने, इंसान ने हिंदुओं को सर पर रखे है, वो इसके साथ धोखा करेंगे तो करेंगे। अगर घोटाले की बात करें तो मतलब एंड टाइम पे ईडी की केजरीवाल को उठा लिया था, इस बार मतलब हुड्डा पे भी आरोप लगा रखे हैं, तो क्यों मतलब राजनीति का कारण लगाया या फिर कोई और कारण लगाया? केजरीवाल टूटड़ी सेंट्रो लिए, हल्की गाड़ी लिए, कदे खंभा पर चढ़ा, कदे पीपल पर चढ़ा, बोले मैं ये नहीं करूँ वो करूँ, घोटाला कर मौके पे क्यों? सरकार की नहीं, ईडी अपना काम करेगी, फिर एन मौके पे क्यों? पहले आगे पीछे भी तो कर सकते हैं, फिर सरकार फायदा उठा रही है तो सरकार में होने का, ये कोई किसी का टाइम नहीं रखे, अभी इस टाइम पे होना है, जो कागज कार्रवाई होगी वो टाइम पर ही होगा, ये कानून कार्रवाई अपने हिसाब से होगी। और भी लोगों से भी हम बात करेंगे कि इस बार भव्य विश्नोई इस बार निकालेंगे, आदमपुर की बात कर रही हूँ मैं, आदमपुर हल्के की बात कर रही हूँ, या फिर जो है चंद्र प्रकाश जी सीट निकालेंगे, तो बात करेंगे। जी राम राम। राम राम, कैसे हो? अच्छा ये यहाँ की अगर सीट की बात करें तो हॉट सीट हो चुकी है, भव्य बिश्नोई निकालेंगे चंद्र प्रकाश, दोनों की टक्कर होगी जी, 5-10,000 रुपये, 5-10,000 वोट, या तो कुलदीप बिश्नोई का लड़का भव्य जीतेगा या चंद्र प्रकाश। बीजेपी ने क्या कुछ विकास के काम करे? बीजेपी ने जो काम कर रखे आप देख रहे, जो लोग बता रहे हैं काम तो हो रहे हैं, देखो जी सरकार के अंदर फिर इतने काम नहीं है जितने कई लोग अच्छा मानने से। कुलदीप बिश्नोई ने तो 800 करोड़ लगा दिए मेरे आदमपुर में, तो 800 करोड़ कहीं नजर आ रहा है भाई? आप सड़कों पर चल गए, गाड़ी लेके आपने दिखे हो गए, 800 करोड़ रुपये कहाँ लग रहे हैं? सारी सड़कें फूटी हुई है, सीवर लाइन कहीं नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी है भाई, फिलहाल 800 करोड़ हमने तो देखे कौन जी लग दे। 800 करोड़ लगाने के बाद तो मतलब चमक जाते हैं चीजें जी, हिसार कैसे चमक रही है जी, अब बढ़ते लाइट दिख रही है जी हिसार के अंदर, ऊपर लिखे रहा होगा हिसार में आपका हार्दिक अभिनंदन ऐसे जी, आदमपुर में ये चीज दिख जाती थी, आदमपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, इतना बुरा हाल है जी, अगर जो थोड़ी सी बरसात हो जाए ना तो गाड़ियाँ और अगर वगैरह टपड़ा मुश्किल हो जाता जी। हाँ जी मतलब स्वागत कैसे कर रहे हैं फिर ये? स्वागत कुछ नहीं है जी, चंद्र प्रकाश की और इसकी टक्कर होगी जी। हाँ जी हाँ जी, चंद्र प्रकाश को मौका मिलना चाहिए कि 56 साल में अगर मैं कहूँ कि लगातार इनके परिवार से विधायक रहे, एमएलए रहे, यानी इनका ही परिवार लेता आ रहा है सीट को, लेकिन इस बार एक नया बंदा सामने टक्कर में आया, तो क्या लगता है कि आदमपुर की जो जनता है मौका देगी? हाँ जी बदलाव होना चाहिए जी, जरूर जी भाई, चंद्र प्रकाश को मौका मिलना चाहिए जी, 56 साल इन्हें राज कर लिया, एक बार इसको भी राज करना चाहिए जी, तो इसको भी पता चले भाई आदमपुर में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ जी।
आदमपुर की जनता को तो वैसे भी पता है कि बहुत सारा काम सड़कें टूटी हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही। हाँ जी हाँ जी। किसानों की बात करें तो 1.5 साल 2 साल तक धरना दे बैठे थे, किसान भी परेशान है बीजेपी से? सब परेशान है जी बीजेपी। अभी आगे कांग्रेस सरकार आ जाती है उसके बाद में पता लगेगा जी क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ जी। और तो सब दुनिया आप ही बता रही है, अभी कुलदीप बिश्नोई का लड़का जीतेगा या चंद्र प्रकाश, ये तो आप इंटरव्यू ले रहे तो हर जगह इनके भी विचार बन रहे हैं भाई, ये 5,000 वोटों का मार्जन रहेगा जी, या तो भव्य बिश्नोई जीतेगा या चंद्र प्रकाश जी। आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो चंद्र प्रकाश को देखना चाहते हैं जी भाई। चंद्र प्रकाश जी का नाम आ चुका है और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार और कौन यहाँ किसको मत देगा। जी राम 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 सारे चैनल वासियों को। कैसे हो आप? बिल्कुल सब साथ। अगर यहाँ की हम बात करें तो हॉट सीट बन चुकी है, एक तरफ भव्य बिश्नोई है दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश है, तो कौन किसको मत? न्यू है मैडम, यहाँ 61 साल की गिरदावरी हो चुकी है, 56 पहले और 5 अब। भव्य जीतता है यहाँ, सिर्फ भव्य जीतेगा। तो चंद्र प्रकाश को मौका देना चाहिए जनता को? बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट को यहाँ जनता नहीं चाहती। बाहरी कैंडिडेट में क्या मतलब खराबी लग रही है? एक तो यहाँ मतलब आदमपुर का कैंडिडेट है, ये नलुआ के लाके यहाँ ठोक दिया, तो ये कुछ नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ 800 करोड़ की, बार बार रिपीट किया गया था कि 800 करोड़ यहाँ पे लगाया गया था, तो वो 800 करोड़ कहीं नजर आ रहा? देखो मैं सर्व दिल्ली को और आदमपुर को बीजेपी को चाहता हूँ, और बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी में दोबारा हरियाणा में सरकार आएगी, और यहाँ पर कोई सामने है कोई पीछे है कोई आगे है, भव्य बिश्नोई की जीत है यहाँ पर 40 बस का सिक्का चलता है। और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जी राम राम। हाँ जी कैसे हो? ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे मौका चंद्र प्रकाश को मिलना चाहिए या भव्य बिश्नोई को? मैं सुना कम है, सुना कम है ये तो। और भी लोगों से बात करेंगे कि भाई यहाँ की अगर हम बात करें तो कौन किसको मार देगा, सरकार किसकी बननी है, क्योंकि अभी की बात करें तो गर्मी भी ज़्यादा हो चुकी है, गर्मी के साथ साथ मैं ये कह रही हूँ कि चुनावी गर्मी है वो बहुत ज़्यादा उतर चुकी है और टाइम बहुत कम रह चुका है।